friends, I am Sumit Goyal. Let's continue special form of ordinary simultaneously differential equation, that is dx by p equal to dy by q equal to dz by r. It is the third lecture of this form. So, देखिए अभी तक हमने जो पहले लेक्चर में किया है हमने यूज किया है सेट ऑफ मल्टीप्लायर्स का टू फॉर्म दी सॉल्यूशन. लेकिन कई जगह पर ऐसा होगा कि हमें मल्टीप्लायर्स के सेट की जरूरत नहीं होगी, तो वहां पर क्वेश्चन किस टाइप से हो सकता है. ये दोनों जो क्वेश्चंस हैं उसी को शो करने के लिए मैंने ये क्वेश्चन चूज किए हैं आपको करवाने के लिए कि इस तरीके से भी हम काम कर सकते हैं कुछ क्वेश्चंस के अंदर. तो देखिए यहाँ पर मल्टीप्लायर्स का सेट जो है वो काम नहीं करेगा, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा. कर भी सकता है, हो सकता है आपके माइंड में आ रहा हो कि भी कुछ मिल जाए ऐसा कि जिससे वो काम कर जाए, तो वो आप कर सकते हैं. अगर ऐसा तो क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन को करने के कई पेज है, तो लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो वेज मुश्किल होगा यहाँ पर मल्टीप्लायर्स के सेट को चूज करना, और जिस वेज से मैं करवाऊंगा वो थोड़ा ईजी होगा. तो आपको यहाँ ये ध्यान रखना है कि हम दोनों फ्रैक्शन को चूज कर भी अपने सोल्यूशन को फॉर्म कर सकते हैं. तो आप आगे यहाँ पर देखें तो चूज फर्स्ट टू फ्रैक्शंस, तो आपके पास आएगा dx by y square equal to dy by x square. अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ you will get x square dx is equal to y square dy on integrating, you will get x cube y equal to y cube by 3 plus c1, that can be written as x cube y 3 minus y cube by 3 equal to c1, that is x cube minus y cube equal to 3c1, or 3c1 को हम नाम दे देते हैं k1. तो this is the first branch of solution of this ordinary simultaneously differential equation. तो अब second form के लिए choose, आप first और third form भी choose कर सकते हैं, second या third form भी choose कर सकते हैं, जिससे हमारा काम जो है वो आसानी से हो जाए. देखिए हम choose करते हैं, choose second and third fraction. So you will get dy by x square equal to dz by x square y square z square. So x square से x square cancel हो जाएगा, y square dy equal to इसके dz by z square. So on integrating we get y cube by 3 or equal to ये आपका बना 1 by z square, 1 by z square means z की minus 2, इसका अगर हम integration करते हैं तो minus 1 by z आएगा और plus में c2. तो यहां से y cube by 3 plus 1 by z equal to c2. तो इसको इतना ही फोड़ सकते हैं हम, तो हमें ये कहेंगे equation 1 and equation 2 forms the solution of the given equation. So easy था method, multiplies का set हो सकता है, आप choose कर पाए उस method से भी ये हो जाता question. देखिए हम इस तरीके से भी अगर दो fractions से हमारे solution बन रहे हैं तो हम उनका use करके भी वहां से question को solve कर सकते हैं. तो देखिए और अगला पर आप second third से भी use कर सकते थे, वही जरूरी नहीं है कि हर फंक्शन में x, y, z ही का फंक्शन बने, तो दो वेरिएबल का अगर फंक्शन बन रहा है दैट इज इनफ. और दो हमारी दो अलग अलग ब्रांचेस है और दोनों ब्रांचेस जो मिलकर बनाती है कंप्लीट सॉल्यूशन बनाती है हमारी गिवन इक्वेशन का. अब ये वाला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आप क्या करते हैं, मैं क्या करने जा रहा हूँ देखिए, मैं यहाँ अप्लाई करूंगा dx माइनस dy. अगर मैं dx माइनस dy अप्लाई करूंगा y प्लस z माइनस z माइनस x हो जाएगा, तो y माइनस x आएगा आपके पास. और दिस इज इक्वल टू, मैं इसमें से इसको माइनस करता हूं तो dy माइनस dz
और यहां से आपके पास z minus y होगा, और उसके बाद में dz minus dx कर दो, dz minus dx अगर मैं करता हूं तो x plus y यहां पर यानी कि x plus y minus y plus z होगा, यानी कि आपके पास x minus z आ जाएगा। अब क्या करता हूं मैं नेक्स्ट स्टेप में, या dx minus y है तो यहां भी नीचे भी x minus y बन जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि यहां पर ऊपर उसका डेरिवेटिव हो जाएगा, x minus y का डेरिवेटिव dx minus dy, सेम चीज यहां है, सेम चीज यहां है, तो मैं इनमें से माइनस कॉमन ले लेता हूं, dx minus dy, तो यहां पर आपका आएगा minus x minus y, और यहां पर dy minus dz, तो यहां पर आएगा आपका minus y minus z, और यहां पर आपका आएगा dz minus dx, तो यहां पर माइनस कॉमन लेते हैं तो z minus x आ जाएगा, माइनस की दो कैंसिल हो जाएंगे। अब देखिए, अब ये क्वेश्चन इस टाइप का बन गया, अब पहले दो फ्रैक्शन से एक सॉल्यूशन निकालेंगे, ब्रांच के बाद एक सॉल्यूशन की सॉरी, और अगली दो फ्रैक्शन से हम नेक्स्ट ब्रांच निकालेंगे सॉल्यूशन। तो देखिए यहां पर टेकिंग फर्स्ट एंड सेकंड फ्रैक्शन, यहां पर dx minus dy over में x minus y equal to dy minus dz over में y minus z, integrate both sides, अगर हम integrate both sides करते हैं तो आप देखिए नीचे function है ऊपर उसका derivative है, तो नीचे function x minus y derivative क्या होगा dx minus dy, ऐसे यहाँ पर y minus z और derivative dy minus dz, तो ये हम पढ़कर आए हैं कि अगर नीचे function हो ऊपर उसका डेरिवेटिव दिया हो तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ फंक्शन होता है, तो यहां पर log x minus y आ जाएगा और यहां पर log y minus z आ जाएगा प्लस log c1, तो यहां पर log x minus y इसको भी मैं ले जाता हूं minus log y minus z equal to log c1, इसको लिख सकते हैं हम log x minus y over में y minus z equal to log c1, taking exponential both sides to eliminate log, so you will get x minus y over y minus z equal to c1, so this is the first branch of the solution, और इसी तरीके से हम यहां पर taking second and third fraction dy minus dz over में y minus z equal to dz minus dx over में z minus x, तो यहां पर भी same integrating both sides you will get log y minus z equal to log z minus x plus log c2, and this quantity can be written as log y minus z log z minus x equal to log c2 log y minus z over में z minus x equal to log c2, taking exponential both side we will have this quantity, this is equation number 2, so equation 1 and equation 2 forms the complete solution of this ordinary simultaneously differential equation. लास्ट एग्जांपल इस टॉपिक का जो हमारी सेकंड फॉर्म चल रही थी, और इसी के साथ ये जो हमारा टॉपिक चल रहा है ऑर्डिनरी साइमल्टेनियसली डिफरेंशियल इक्वेशन, ये भी हमारा यहां पर खत्म हो जाएगा। तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे, तो आप यहां पर देखिए dx y में cos x plus y equal to dy over में sin x plus y, this is equal to, इसको अगर हम करते हैं तो dz LCM में अगर लेता हूं तो z LCM आएगा और यहां पर आपका हो जाएगा z square plus 1, और ये z हमारा ऊपर चला जाएगा जो हमने LCM लिया। अब देखिए जब ये दो फ्रैक्शन इक्वल है तो यानी दोनों फ्रैक्शंस का सम भी इक्वल होगा, तो यानी ये भी हम लिख सकते हैं कि dx plus dy over में cos x plus y plus sin x plus y, ये इसके इक्वल होगा z
dz over में z square plus 1 तो ये क्वांटिटी हमने इन दोनों का सम किया है हमारा। अब देखिए मैं आपको जो एग्जांपल करवा रहा हूं वो अलग-अलग तरीके के करवा रहा हूं कि भाई इस तरीके से भी हमारा क्वेश्चन हो सकता है कि हम कोई भी फ्रैक्शन लेकर या कोई भी हम मल्टीप्लायर्स लेकर हमें दो सॉल्यूशन किसी भी तरीके से निकाल लें। तो अभी हम देखिए ये हमारा आ गया dx + dy और ये हमारा अब हमें देखिए यहां पर वेरिएबल सेपरेटर मेथड लगा सकते हैं। आप याद रखेंगे z स्क्वायर का डेरिवेटिव 2z होता है तो सबसे पहले तो हमें यहां पर 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर लेते हैं ताकि नीचे फंक्शन हो गया और ऊपर हमारा हो गया डेरिवेटिव। तो क्योंकि यहां पर देखिए जब इस चीज से हम मल्टीप्लाई करते हैं उससे हमें डिवाइड करना भी जरूरी होता है। z स्क्वायर का डेरिवेटिव 2z और प्लस 1 का 0 हो जाएगा और ये 1/2 इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। अब यहां पर किसी तरीके से देखिए हमें ये इसका डेरिवेटिव ऊपर लेकर आना है, इसका डेरिवेटिव एक बार ऊपर आ जाए तो उससे हम तो इसको भी इंटीग्रेट कर पाए, कुछ ऐसा करने की हमें सोचनी है। तो देखिए अब क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर, मैं क्या करता हूँ इसके अंदर मैं √2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ उस टर्म को, √2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब 1/√2 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए इससे क्या फायदा होगा हमें dx plus dy ओवर में √2 इस वाले 1/√2 को मैं अंदर लेकर जा रहा हूं 1/√2 cos x plus y plus 1/√2 sin x plus y और ये क्वांटिटी आपकी ऐसे चलती रहेगी, मैं इसको लिख नहीं रहा हूं। तो अब ये देखिए dx plus dy ओवर में √2, अब इसको आप लिख सकते हो sin y/2 और ये आपका cos x plus y है प्लस इसको आप लिख सकते हो cos y/4 क्योंकि sin y/4 की वैल्यू भी 1/√2 होती है और cos y/4 की वैल्यू भी 1/√2 होती है और यहां पर हमारा sin x plus y इक्वल टू सेम चलता है। तो यहां पर dx plus dy अपॉन में तो आप ये देखेंगे sin a cos b plus cos a sin b, इसको ऐसे पढ़ सकते हैं। तो ये आपका फार्मूला बनना है sin a plus b का यानी x plus y plus y by 4 का और यहाँ पर √2 और this is equal to same root। अब यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं dx plus dy 1/√2 और 1 का साइन किसके इक्वल होता है कोसेकेंट, तो कोसेकेंट x plus y plus pi by 4 और दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू 2z dz अपॉन में आपके पास है 2z स्क्वायर प्लस 1। अब कोसेकेंट x का हम भी पढ़कर आए हैं इंटीग्रेशन ऑफ कोसेकेंट x जो होता है वो होता है log tan x by 2 और प्लस में c। तो इस रिजल्ट का हम यहाँ यूज करने जा रहे हैं। तो देखिए इसका अगर मैं इंटीग्रेट करता हूँ बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड्स तो आप देखेंगे कि cosecant x plus y plus pi by 4 और dx plus dy को हमें इंटीग्रेट करना है और 1/√2 हमारा बाहर आएगा। तो यहाँ पर भी 2z over में z square plus 1 को इंटीग्रेट करना है और 1/√2 हमारा बाहर आएगा। इस 1/√2 को मैं इधर ले जाता हूँ तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और इसी तरीके से इसे हम क्या लिख सकते हैं √2 into √2 लिख सकते हैं। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा यानी यहाँ पर आपका √2 आ जाएगा। तो √2 इधर आ जाएगा हमारा, इस √2 को हम इधर भी ले जा सकते हैं, आप देख लेंगे जैसा भी हमें सूटेबल होगा हम वैसा कर लेंगे। तो देखिए अब यहाँ पर यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा log tan x by 2 यानी x plus y plus pi by 4 by 2 करेंगे यानी कि हम ये लिख सकते हैं 1/√2 x plus pi by 4 और dx plus dy इसका डेरिवेटिव दिया हुआ है यानी कि इसका कंप्लीट इंटीग्रेशन हमारा ये बनेगा। तो पहले से यहाँ पर टर्म ज्यादा आ चुकी है और यहाँ पर क्या बनेगा आपका
log z square plus 1 बनेगा और प्लस में log c1। तो हमारे क्रम पहले ही ऑलरेडी यहां याद आ चुकी है, तो log 10 काफी चीजें आ चुकी है, तो इससे बचने के लिए हम इस रूट 2 को बजाय यहां आके इसे हम लिख लेते हैं 1 by root 2 था ये, तो यहां 1 by root 2 आ जाएगा, इसको यहां से कैंसिल कर देते हैं और प्लस log c1। तो अब यहां से देखिए ये हमारा हो गया log 10 1 by 2 x plus y plus pi by 4, इसको इधर लेकर जा रहे हैं 1 by 2 log z square plus 1 equal to log c1, और इसको पावर को ऊपर लेकर जाएंगे तो ये पावर यहां पर हो जाएगी हमारी 1 by 2, and this quantity can be written as log 10 1 by 2 x plus y plus pi by 4 over में z square plus 1 की 1 by root 2 equal to log c1, taking exponential function both side, log cancel हो जाएगा exponential function से, so we will have this quantity, this is the first branch of our solution of this question। तो ये हमारी first branch आई है हमारे solution। अब देखिए हम second branch कैसे निकालेंगे, यहाँ पर second branch निकालने के लिए हमें क्या करना है, तो देखिए आप देखिए, तो यहां पर क्या हो जाएगा हमारे पास
cos x plus y minus sin x plus y over में cos x plus y plus sin x plus y और dx plus dy ये आपके पास है left hand side पे already और इधर आपके पास बचेगा dx minus dy तो dear students अब आप यहाँ से देखेंगे कि नीचे जो आपका है फंक्शन है ऊपर डेरिवेटिव है cos का डेरिवेटिव cos x plus y का डेरिवेटिव क्या होता है sin x plus y होता है minus sin x plus y होता है और x का डेरिवेटिव dx और y का डेरिवेटिव dy यानी dx plus dy ये रहा कॉमन लेने के बाद आप क्या सकते हैं आगे गए और ऐसे ही sin x plus y का डेरिवेटिव cos x plus y होता है x plus y का dx plus dy होता है वो कॉमन लेने के बाद यही बनेगा हमारा यानी इस कंप्लीट फंक्शन का डेरिवेटिव ये है हमारा यहाँ पर तो यानी कि लो को फंक्शन इंटीग्रेट करने से यहाँ पर आ रहा है तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स यू विल गेट लो cos x plus y plus sin x plus y इक्वल टू यहां से आपके पास ये आएगा x minus y plus c2 क्योंकि इसका इंटीग्रेशन x हो जाएगा इसका y हो जाएगा प्लस में हमें कॉन्स्टेंट लेना है तो कॉन्स्टेंट में हम लोग की फॉर्म में ही ले लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा अब देखिए log cos x plus y plus sin x plus y और इस क्वांटिटी को देखिए मैं ऐसे लिख सकता हूं log exponential x minus y तो प्लस log c2 अब log cos x plus y plus sin x plus y minus log e x minus y is equal to log c2 it can be written as cos x plus y plus sin x plus y over में e raised to power x minus y equal to c2 तो log इधर भी आएगा इधर भी आएगा exponential लेने से cancel हो जाएंगे तो this is equation 2 and equation 1 and equation 2 form the solution of given ordinary simultaneously differential equation